हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आज का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 30 मई को मेधावी स्कॉलरशिप का, उसका जीके, इंग्लिश और रीजनिंग का मैं सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। जो भी बच्चों ने टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज किया था, मतलब क्वेश्चन भेजा था, तो उसी का मैं मैथ्स को छोड़कर इन तीनों सब्जेक्ट्स का बता दूँ। करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने कितना सही बनाया है और कितना गलत किया है। आप देख लीजिए, एक दो आंसर हो सकता हो ना भी मैच हो, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक था, तो कहीं सेम दो तीन ऑप्शन में एक ही आंसर दिया हुआ था, तो बहुत गलती भी थी सेट में। तो फिर भी देखिए अब कैसा रिजल्ट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते अपना वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीके का, कंट्री विथ कैपिटल सिटी दुशानबे वेयर हर्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड इज़ नॉट सराउंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हमें चार ऑप्शन दी गई है, पांच ऑप्शन, जिसमें हमें बताना है कि ये वह कौन सा देश है जिसकी राजधानी दुशानबे है और जहाँ पे एशिया हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेकिन वो कंट्री, पहले तो आपको ये पता करना है कि वो कंट्री कौन सा है जिसकी राजधानी दुशानबे है, और फिर बताना है कि वो किस देश से उसकी सीमा नहीं लगती है। तो ये जो दुशानबे है, ये ताजिकिस्तान की राजधानी है, ताजिकिस्तान की, और इससे बाउंड्री किसकी किसकी नहीं लगती है। तो इससे हमारी बाउंड्री लगती है अफ़गानिस्तान की, जो कि है साउथ में, कजिकिस्तान ये ताजिकिस्तान के नॉर्थ में है, उज़्बेकिस्तान ये वेस्ट में है, और ईस्ट में है हमारा चाइना, और ये किर्गिस्तान जो है इससे ताजिकिस्तान की बाउंड्री टच नहीं होती है। ये ताजिकिस्तान इसके नॉर्थ में है, किर्गिस्तान इसके साउथ में, अफ़गानिस्तान ईस्ट में, चाइना, और वेस्ट में है हमारा उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी सीमा नहीं लगती है, तो वो हो जाएगा हमारा कजाकिस्तान, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है। तो ये हमारा रिलेटेड है वेटलैंड से, हालांकि इसमें ऑप्शन वेटलैंड नहीं था, सिर्फ लैंड था, तो आप इसे ही आपको टिक करना था। ये जो वेट लैंड है, ये वेट लैंड हमारे इंडिया में टोटल टू है जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर आता है। एक है राजस्थान का केवलाडियो नेशनल पार्क, और एक है लोकटक झील जो है हमारा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उगाड़ी इज़ नॉट अ मेन फेस्टिवल। इसमें से कौन से स्टेट का उगाड़ी जो है वो फेस्टिवल नहीं है, मेन फेस्टिवल। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटका का भी है, तेलंगाना का भी है, तमिलनाडु का नहीं है। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ माउंटेन इन द गिवन ऑप्शन। इनमें से कौन सा माउंटेन, इनमें से कौन सा वर्ड है, ऑप्शन है, जो माउंटेन ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो हमारा यूराल भी करता है, ये यूराल माउंटेन हमारा वेस्टर्न रशिया और यूरोप के हिस्से में पड़ता है। हिमालय तो आपको पता ही है, इंडिया में है जो कि एशिया में है। अल्प्स माउंटेन रेंज, ये भी यूरोप में है। रॉकीज़ ये भी माउंटेन रेंज है और ये नॉर्थ अमेरिका में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम पे। इसमें कहा जा रहा है कि एडिशनल बोरोइंग का जो परसेंटेज है वो, उसे क्या कहा जाता है। तो ये हमें कहा जाता है स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर मैंने सोचा है कि मैथ्स का भी सॉल्व करवा दूँगी, टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मुझे बनाना पड़ता है वीडियो। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये है इंग्लिश का। इसमें आपको बताना है
कि ये जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो किस वर्ड पे सटीक बैठते हैं। तो ये बैठते हैं हमारे चार ऑप्शन है, बॉबल, फिनिट्यूड, वाटर मार और फाइनेगल। तो इसका सही ऑप्शन है आपका, पहले स्टेटमेंट को पढ़ ले, क्या है, समथिंग दैट मेक्स मूवमेंट और प्रोग्रेस डिफ़िकल्ट, ऐसी कोई चीज़ जो किसी को आगे बढ़ने में मुश्किलें पैदा करे या फिर किसी की हदें हद को रोक दिया जाए। तो वो किस कौन सा वर्ड है जो इस दोनों स्टेटमेंट को डिफाइन करता है, तो वो है हमारा फिनिट्यूड। बॉबल मीन्स होता है आपका बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। मार मीन्स भंग या क्षति पहुंचाना। फाइनेगल मीन्स अंतिम रूप देना, बोलते हैं ना ये चीज़ें मेरी फाइनल हो गई, तो उसी फाइनल से ही ये वर्ड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रीजनिंग का, इसका मैं डायरेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी आप कॉपी पे देख लें कि किस तरह से ये बनता है। तो इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एक स्कीम से रिलेटेड है, अन्नपूर्णा स्कीम से। इसका ऑप्शन थ्री सही है, वन और टू गलत है, क्योंकि इसमें एप्लीकेंट को कम से कम 65+ वाले को ये योजना से जोड़ा जाता है और इसमें 10 kg राशन दी जाती है, इसमें वीट और राइस दिया जाता है। तो ये सही है, ओनली थ्री। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ये आपका रीजनिंग, इसमें कहा गया है कि आपको लेफ्ट को राइट समझना है और राइट को लेफ्ट समझना है, यानी ये हो गया आपका लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट नहीं बल्कि यहाँ इसको हमको राइट समझना है, और ये हो गया हमारा राइट, लेकिन इसे हमें लेफ्ट समझना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि सेवन्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट ऑफ द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इन द बिलो सीरीज़। ये जो सीरीज़ दी गई है इसमें आपको बताना है कि बाएं से चौथे, तो लेफ्ट हमने इसे कहा था, पर लेफ्ट हमारे लिए ये नहीं है बल्कि ये है लेफ्ट हमारा, तो लेफ्ट से बोल रहा है कि चौथे, तो इसमें चौथा कौन सा है, इसे मैं बड़ा कर देती हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे समझा पाऊँगी। तो लेफ्ट से चौथा, तो 1 2 3 4, ये एट द रेट, ये है हमारा चौथा तत्व के दाएं। ये जो तत्व है इसका दायां तो हमारा ये होता है राइट, लेकिन हमें राइट को लेफ्ट समझना है और लेफ्ट को राइट, तो हमारा राइट ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इसके राइट सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये थ्री, सॉरी गिनने में गलती हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, ये फोर है हमारा आंसर, फोर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा ये जीके का क्वेश्चन, सॉरी इंग्लिश का है, इसे हमें रीअरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में, तो देखते हैं क्या होगा। थ्रू आईपीओज फर्स्ट एंड मैनी हैव रेज्ड हैव नाउ लाइंड अप ऑप्शन। तो इसमें सबसे पहले मैं मीनिंगफुल सेंटेंस में बता रही हूँ, सबसे पहले होगा आपका एट कंपनीज हैव रेज्ड रुपीज़ 12,720 करोड़ थ्रू आई पी ओज एंड मैनी हैव लाइंड अप, ये मीनिंग कुछ निकल भी रहा है कि एट कंपनीज आगे बढ़ चुके हैं, कितना उन्होंने बना लिया है 12,720 करोड़ आई पी ओ के द्वारा, और बहुत सारी अभी लाइन में है लगी हुई। तो इसका ऑप्शन 5 2 1 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 आप देख लें कौन सा है, 5 2 4 1 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टचेज द बॉर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, इनमें से बोल रहा है कौन सा ऐसा राज्य है, पहले तो आपको बताना है कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में पड़ता है, तो ये है हमारा झारखंड में, और झारखंड की जो सीमा है बॉर्डर वो किससे टच नहीं करती है,
तो झारखंड की सीमा टच करती है वेस्ट बंगाल से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, बिहार और उड़ीसा से। तो यूपी से करती है, बिहार से भी, उड़ीसा से भी, पर मध्य प्रदेश से नहीं करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमें बताना है रॉन्गली स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग कौन सा है। तो ये यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी का स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे ये आई नहीं होगा, बाकी सारी सही है। नेक्स्ट इसमें भी आपको एरर स्पॉट करना है। मेरे हिसाब से तो इसमें मुझे एक भी एरर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको कोई दिख रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें आई थिंक नो एरर ही होना चाहिए, ई ई ऑप्शन। अरेंज इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, इन इसे भी हमें अरेंज करना है, अरेंज करके बताना है। तो इसका हो जाएगा 1 3 5 2 4, ये ऑप्शन। देयर इज़ नो डाउट डैट गोइंग अहेड इट विल बी द ग्रोथ ऑफ द फर्म एंड द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है कि ये जो सेंटेंस है, पेज 3 स्टोरीज आर टारगेटेड टू अट्रैक्ट टीनेजर्स, इसमें जो ये वर्ड है, ये जो ऑप्शन दी गई है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं वर्ब, इसके बरा इस इसका भी वही मीनिंग निकलता है, टारगेटेड टू, यानी पेज 3 स्टोरीज टारगेट करती हैं किन्हें, टीनेजर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो टारगेट और ये जो एम एट है, इन दोनों का एक ही मीनिंग है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है NPCI जो है वो कौन सी सर्विस इसमें से नहीं देता है। तो NPCI भीम सर्विस देता है, भारत QR भी, NETC भी और भारत बिल पे भी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट है ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो दो सेंटेंस दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि साजिया किस दिन मुंबई पहुंची थी। तो अगर हम निकाल सकते हैं तो दोनों, अगर दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो दोनों में टिक लगेगा, अगर किसी एक से ही हमें आंसर मिल जाता है तो एक पे टिक लगेगा। तो पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। साजिया लेफ्ट द्वारका बाय ट्रेन ऑन ट्यूजडे, साजिया ट्यूजडे को द्वारका से निकली ट्रेन से। साजिया स्टेड इन जयपुर, साजिया जयपुर में रुकी फॉर 1 डे, एक दिन के लिए। एंड कंप्लीटेड हिज जर्नी इन 3 डेज, और अपनी जर्नी को उसने 3 दिन में पूरा किया। तो 3 दिन में पूरा कर लिया उसने अपनी जर्नी, एक ट्यूसडे को वो निकली, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन पूरा कर लिया, यानी वापस वो फ्राइडे को पहुंच जाएगी मुंबई। तो इससे तो हम दोनों सेंटेंस को हमें यूज़ करना पड़ रहा है इसका आंसर निकालने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर नीडेड, हालांकि जिन्होंने क्वेश्चन भेजा उसमें ऑप्शन ही नहीं आ पाया है, लेकिन इसमें वही ऑप्शन होगा कि हमें दोनों सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आप को मैं एक गलती बताती हूँ कि ऑप्शन में किस तरह से मिस्टेक की गई है। यहाँ जो आप देख रहे हैं हिज, ये तो लड़के के लिए यूज़ होता है, और यहाँ आप हिंदी में देखिए साजिया को रुकी लिखा हुआ है। तो इस तरह से छोटी छोटी गलती दी गई है, आगे और भी मैं गलती बताऊँगी कि ऑप्शन में किस तरह से गलती दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको बताना है नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन के ही जैसा, कि सेंटेंस जो दिया गया है और ऑप्शन जो दिया गया है उसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है, वर्ब है, जो उस सेंटेंस के मीनिंग के बराबर है। द लॉस ऑफ हर हस्बैंड हैज़ मेड हर थीन, वीक एंड सैड, उसके पति के जाने से वह पतली, कमज़ोर और दुखी हो गई। तो इसमें से कौन सा ऐसा मीनिंग है, वर्ड है, जिसका मीनिंग भी कुछ इस तरह से ही निकलता है, दुखी टाइप का। तो पाइप डाउन, पाइप डाउन मीन्स क्या होता है, शांत हो जाना बिल्कुल, किसी ने जैसे मार दिया है, हम गुस्सा जाते हैं, अकेले कहीं चले जाते हैं, तो वो हो गया शांत हो जाना। पाइप डाउन मीन्स, प्लम्प डाउन मीन्स मोटा होना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो तो दुबली पतली हो गई है। पाइन डाउन, पाइन डाउन मीन्स दुखी, दुख में डूब जाना, बिल्कुल दुखी हो जाना। तो यही आंसर हमारा है पाइन, पाइन अवे। नर्ड आउट नहीं होगा, इसका मतलब होता है बेवकूफ़ी या बेवकूफ़ी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, ये है हमारा वॉइस, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पर ये है हमारा वॉइस। तो मेधावी हैज़ ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप, तो इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, अ
स्कॉलरशिप हैज़ है तो ये हमारा हैज़ बीन हो जाएगा। तो हैज़ बीन देखिए किसी में है, स्कॉलरशिप हैज़ बीन, तो इसमें से कोई भी नहीं ऑप्शन होगा, नन ऑफ द ऑप्शन। ये मैंने पहले भी देखा था मॉक टेस्ट में भी कि ज़्यादातर के आंसर नन वाले ही आ रहे थे, और सेट में भी वैसा ही कुछ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अ स्कॉलरशिप हैज़ बीन, स्कॉलरशिप हैज़ बीन ग्रांटेड टू हिम बाय मेधावी। ये आपका सही हो जाता अगर यहाँ बिन लगा हुआ होता तो, पर बिन नहीं लगा हुआ है इसलिए आपका नन होगा ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें भी हमें दो सेंटेंस दी गई है, जो कौन सा ऑप्शन में वर्ड है जो इन दोनों सेंटेंस को बताता है? टू गिव अवे, गिवन टू एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कोई इंसान होता है ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और नियम कानून को मानने वाला होता है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस चीज़ को बताता है? तो इसका आप बहुत लकी हैं कि आपका पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। ऑस्टर मीन्स होता है कठोर। मैं बाकी की मीनिंग बता देती हूँ। एमिनेबल मीन्स जिम्मेदार होना या जिम्मेदार। पेलिएबल मीन्स लचीला। क्लेमेंट, क्लेमेंट मीन्स मेहरबान, दयावान, कोई हो जाता है ना आप पे मेहरबान उस तरह से। नेक्स्ट है ये रीजनिंग का मिसिंग नंबर बताना है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, बताने में ज़्यादा आसानी होगी। इसमें आप डिफरेंस निकालिए सबसे पहले कि कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है। हम ज़्यादा इतना आगे नहीं जाएंगे, बस यहीं तक जाए, यहीं तक में हम पता चल जाएगा आंसर कितना है। तो इन सब का डिफरेंस हम निकालेंगे तो 90 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 70, 496 और 440 इसका डिफरेंस है कितना 56, 440 और 398 के बीच का डिफरेंस कितना है 42। लेकिन कोई सीरीज़ कुछ बन रहा है, कोई वर्ड कुछ मतलब कॉमन कुछ भी मीनिंग वगैरह माइनस करने से कुछ भी कोई सीरीज़ नहीं बन रही है, तो यहाँ पे हम फिर से माइनस करेंगे। तो फिर से माइनस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ 72 होगा, 90 72 या 18 या 72 में 56 माइनस करेंगे तो 16, और 56 से 42 माइनस करेंगे तो 14। यहाँ पे कुछ सीरीज़ बन रहा है कि माइनस टू होते जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम एक और सीरीज बनाते हैं -12 करते हैं, मतलब -2 करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को घटाते हैं तो क्या आएगा ये आंसर, यहाँ पे देख रहे हो सब पे घटाया जा रहा है, 56 में से 14 घटाया तो 42 आंसर आया। वैसे हम 42 में 12 घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 30, और फिर इस 30 को हम माइनस करेंगे 398 में तो हमारा आंसर आ जाएगा 368, और यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हमारे पूरे ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा दूसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है? तो पहला कौन है, फर्स्ट तो है हमारा हाइड्रोजन, और नेक्स्ट है हमारा हीलियम, तो ये है हमारा आंसर हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन जो एक तरह का मालवेयर होता है कंप्यूटर में, तो उसके रिगार्डिंग बताना है कि आपका सही करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इट इज़ अ वायरस, नो इट्स नॉट अ वायरस, इट्स अ मालवेयर, इट वर्क्स ऑन अ एज अ रैंसमवेयर, इट्स अ वॉर्म, इट ओनली अफेक्ट एंड्रॉयड सिस्टम। तो यही आपका सही आंसर, ये एंड्रॉयड सिस्टम को अफेक्ट करता है। TFR इंडिकेट्स डैट द पॉपुलेशन ऑफ गिवेन एरिया विल बी कॉन्स्टेंट। वॉट TFR कब यहाँ पे बताना है कि वैल्यू कितनी होगी अगर कहीं का पॉपुलेशन किसी जगह का दिया हुआ है कॉन्स्टेंट है तो, न बढ़ रहा है न घट रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2.2। नेक्स्ट है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा है वर्ड जो गलत है उसकी स्पेलिंग? तो एस्थेटिक्स ये सही है, एस्थेटिक्स इनविग्योरेट, आई थिंक किसी का गलत है हमारा इनविग्योरेट में ENVIGI, ये जो आई है ये नहीं होना चाहिए इनविग्योरेट में। अनफेटर्ड सही है, फ्लरी मीन्स भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनविग्योरेट, यहाँ आई गलत है। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस, यहाँ देखिए सही लिखा हुआ है ऊपर में एक्टिव पैसिव वॉइस, तो इसमें आपको बदल के बताना है माई लिटिल बॉय कुड नॉट हैव डन दिस। तो क्या होगा यहाँ पे, कुड नॉट हैव है तो कुड नॉट हैव बिन हो जाएगा,
दिस कुड नॉट हैव बीन डन बाई माई लिटिल बॉय, यह वहाँ आपका आंसर है सी। नेक्स्ट, ये तो रिपीट हो गया फिर से। हाँ, इसमें बताना है आपको कि टेम्प्रोरी डिस्टॉर्टेशन इन द सेंस ऑफ स्मेल, अगर हमारी कभी स्मेल चली जाती है थोड़ी टेम्प्रोरली कुछ दिनों के लिए, तो उसे उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ये है हमारा एंसोमिया। इंसोमैनिया में क्या होता है? नींद चली जाती है। पेरोसिमिया मीन्स सब कुछ ठीक ठाक है, आपका स्मेल सही है। और एग्वेसिया में स्वाद, अस्वाद यानी स्वाद चली जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द कंट्रीज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ 100 मेगावाट कैपेसिटी टिल डेट बाय जनरेशन कैपेसिटी सिचुएटेड। तो कहाँ पे है ये? ये है हमारा तेलंगाना में। वहाँ 100 मेगावाट की क्षमता वाली सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाई गई है अब तक का हमारे देश का, उत्पादन क्षमता के आधार पे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने बताया था क्या? द स्टेट ऑफ हैविंग अ लिमिट और एंड एन एरिया ओवर विच एक्टिविटी कैपेसिटी और इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स। इसमें बताना है कि ऐसी एरिया या ऐसी हद जहाँ पे हमारा कोई ख़ास एक्टिविटी होता है, कोई ख़ास चीज़ पे हमारा कमांड होता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर मेंड नहीं है, गैमुट फिंग। हाँ, गैमुट, यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट है, हमें अरेंज करना है इसमें, ये भी इंग्लिश का ही है। तो इसका आंसर शी इज़ नोन टू इनकरेज प्रोग्राम्स डेट इंगेज विद कंटेम्प्रोरी कंसर्न्स। इसका आपका ऑप्शन ही सही है, ये बिल्कुल सही तरीके से पहले से ही अरेंज है। हाँ, मैं ये आपको दिखाने वाली थी कि इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ कैसे सेट में की गई है। इसमें है कि हाई कोर्ट में सारी घोषणाएं जो होंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगी, तो ये कौन से आर्टिकल को बताता है? तो यहाँ आप देख लीजिए कि ऑप्शन ए, बी, डी सब में सेम चीज़ ही लिखी हुई है। हालांकि इसका आंसर यही है सही, आर्टिकल 348, पर ऑप्शन में किस तरह गलती है? अगर किसी ने ए टिक लगाया तो क्या पता क्या कंसिडर किया जाए, बी टिक लगाया तो सही आंसर होगा या डी सही आंसर होगा। तो देखिए, अब आपके आंसर आने के बाद ही पता चलेंगे। और अगर आपने रिकॉर्डिंग रखी है तो अच्छी बात है, आप क्लेम भी कर सकते हैं। और अगर नहीं रखी है तो जो भी आपको आंसर दिया जाएगा वो आपको एक्सेप्ट करना होगा, जो भी रिजल्ट आपके आने आएगी। टू सजेस्ट समथिंग अनप्लीजेंट इन अ इनडायरेक्ट वे, किसी को कुछ हम ऐसा बोलना चाहते हैं जो उसको पसंद नहीं आएगा, लेकिन हम उसको बताना भी है, तो इस सिचुएशन को हम क्या क्या बोलेंगे? इंसुएशन सिचुएशन को तो यही बोलेंगे, लेकिन यह वर्व पूछा है, वर्व आपको बताना है, तो इंसिनुएट होगा। ये मैथ्स का हो गया क्वेश्चन आपका। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ मैथोलॉजिकल रिवर सरस्वती एज मेंशन्ड इन वेरियस एंशियंट टेक्स्ट डेट इज वेदास पुराणास एक्सेट्रा। इसमें बताना है कि सरस्वती नदी का इसमें से कौन सा है जो नाम नहीं है? हकरा नाम है, मार्कंड भी नाम है, अस्किनी नहीं है, विशाला भी है, तो ये आपका ऑप्शन सी है। इसमें बताना है इनमें से सबसे अलग कौन है? कोचीन, मुंबई, ईटानगर, अटल नगर। मुंबई तो आपकी राजधानी है महाराष्ट्र की, ईटानगर भी है अरुणाचल प्रदेश की, अटल नगर किसकी राजधानी है बताइए? छोड़िए, मैं बता देती हूँ, छत्तीसगढ़ की। और कोचीन ये किसी की भी राजधानी नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, ये बस एक पोर्ट है। ये आपको सीरीज बताना था रीजनिंग का। नेक्स्ट, ये मैंने शायद करवा दिया है ना ऊपर, प्लेटफॉर्म सी करवाया है क्या? शायद करवा दिया है इसे भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसका बॉर्डर नेपाल से टच नहीं होता है? तो वेस्ट बंगाल से तो होता है, बिहार से भी होता है, यूपी से भी होता है,
ये जो हिमाचल प्रदेश है इससे नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे हमारा जो ये वाला हिस्सा है भारत का, उसके बिल्कुल यहाँ बीच में, इसलिए ये नेपाल से नहीं सटता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए तो आज मैंने क्वेश्चन करवा दिया मेधावी स्कॉलरशिप का। अब नेक्स्ट मैं कल से आप लोगों को, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या आने वाले एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका क्या क्या है। रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, NTPC भी है, DFCCIL का भी एग्ज़ाम है, ये तीनों रेलवे के ही हैं, और झारखंड के भी कुछ एग्ज़ाम्स है, पर झारखंड का तो अभी कुछ क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा कब होगा। तो रेलवे के रिगार्डिंग ही मैं रेलवे एग्ज़ाम को लेकर ही मैं कुछ पढ़ाऊंगी। तो आप कमेंट कीजिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, GK, रीजनिंग, मैथ्स या इंग्लिश। इंग्लिश तो रेलवे में आता नहीं है, तो कल से आपको आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं कल से पर डे क्लास करवाना शुरू करूँगी, जो फुल्ली रेलवे एग्ज़ाम पे बेस्ड होगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक आपने देख लिया है, और अगर आपको इस वीडियो को आप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को शेयर भी करें उन दोस्तों को जिनका आज एग्ज़ाम था, ताकि वे भी कुछ कुछ आंसर देख सकें। और अगर मुझे वक्त मिला तो मैं मैथ्स का भी सॉल्यूशन ज़रूर करवा दूंगी। नहीं तो अब एग्ज़ाम तो हो गया है, अब हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि नेक्स्ट जो आने वाली एग्ज़ाम है उसकी हम प्रिपरेशन करें। तो आप लग जाइए अब अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, और बाकी हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।